हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको यह बताने जा रहे हैं कि गंगा में जो पाप धोते हैं वो कहाँ जाते हैं। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग जो गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा जाते हैं और गंगा पापी हो जाती होगी। ऋषि ने यह जानने के लिए तपस्या की कि जो पाप धोते हैं वो कहाँ जाते हैं। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तब ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हो जाती होंगी। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद देवता और ऋषि समुद्र के पास गए और उन्होंने कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति यानी कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं परिश्रम का होना चाहिए।